हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेक्चर पार्ट टू सो लेक्चर पार्ट वन में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी कि कैसे एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं है ना या कैसे बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं कैसे एसिड्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है so, आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि हाउ एसिड्स रिएक्ट्स विथ बेसिस ठीक है एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ कैसे होती है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्योंकि एसिड जब बेस से रिएक्ट होता है तो न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन मीन्स सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाते है. okay? so हैं ओके सो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपलेस्ट एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होता है ठीक है या ये ओ OH एच माइनस आयन रिलीज करते हैं एक्वा सोल्यूशन में तो वो बेस होते हैं अभी आगे बताऊंगा कि एसिड आसेड, एसिडिटी या बेस बेसिसिटी क्यों शो करते हैं ठीक है दिस इज एन एसिड दिस इज एन बेस रिएक्ट करेंगे तो देखो एक तो बनने वाला है सॉल्ट ठीक है सो सॉल्ट विल बी सोडियम क्लोराइड ईय एन और ओ OH एच और एच क्या बना लेंगे वॉटर सो दिस इज अट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं ठीक है और इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम सेम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ठीक है एक तो बनने वाला है सॉल्ट राइट right? तो सॉल्ट बनेगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेट एन ए टू फोर ओके और साथ में बन जाएगा वाटर ओके, सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट ओके यस मान लो कि इस रिएक्शन में स्ट्रांग एसिड लिया हो हमने और वीक बेस के साथ रिएक्शन हो तो सॉल्ट तो बनेगा बट क्योंकि एसिड हमने स्ट्रॉन्ग लिया था और बेस वीक लिया था तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा एसिडिक है ना? और इसका उल्टा अगर हम कर लें वीक एसिड लें और बेस ले लें तो भी अगेन रिएक्शन तो यही होगी सॉल्ट तो बनेगा बट क्योंकि बेस यहां पे स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट कैसा बनेगा बेसिक सॉल्ट ओके सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड है ना अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड सीयूओ है ना इसकी रिएक्शन कर देते हैं एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं सिंपल सा एसिड है हमारा ये मैटलिक ऑक्साइड हो गया ये एसिड हो गया कॉपर ऑक्साइड जब इसकी रिएक्शन होगी तो कॉपर मेटल का सॉल्ट मिलेगा हमें सी यू सी एल टू कॉपर क्लोराइड और साथ में मिलेगा हमें वाटर इसका मतलब क्या हुआ जब मेटलिक ऑक्साइड्स कॉपर ऑक्साइड इज अ मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड वी गेट प्रोडक्ट्स लाइक दिस इज अ सॉल्ट इन नेचर कॉपर क्लोराइड नेचर का क्या है सॉल्ट है और साथ में क्या मिला है वाटर तो देखो ये तो वो ही प्रोडक्ट हो गए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें मिल रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा था और सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा था है ना यहां पे भी देखो सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं सोल्ट एंड वाटर दिस कॉपर क्लोराइड इज अ सॉल्ट है ना मेटलिक सॉल्ट ऑफ कॉपर तो इससे क्या प्रूफ होता है चलो एक काम करते हैं इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी बेस प्लस एसिड एसिड प्लस बेस भी लिख सकते हैं एक ही बात है क्या प्रोडक्ट बन रहा था सॉल्ट प्लस वाटर तो चलो कंपेयर करते हैं एसिड ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट यहाँ पे भी कॉपर क्लोराइड क्या है सॉल्ट है वाटर ये भी वाटर मिल रहा है तो बेस यानी कॉपर ऑक्साइड इज अ ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर ठीक है देखो भाई यहां पे दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट है यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट है तो एक रिएक्टेंट मैच हो रहा है और दोनों प्रोडक्ट मैच हो रहे हैं इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है बेसिक है तो यहां पे क्या प्रूफ होता है मैटलिक ऑक्साइड्स आर वॉट बेसिक इन नेचर ठीक है तो अगर एग्जामिनर ये प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है कि प्रूफ दैट मैटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर तो आपको क्या करना पड़ेगा एक रिएक्शन देनी पड़ेगी तो यही रिएक्शन ले लेना भले ठीक है और उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ कंपेयर करके बताना पड़ेगा जैसे मैंने किया कि भाई यहां एसिड है ये भी एसिड है ये सॉल्ट है ये सॉल्ट है ये वाटर है ये वाटर है सो ऑटोमेटिकली मेटलिक ऑक्साइड कैसा हो गया नेचर का बेसिक हो गया इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके हमने ये प्रूव कर दिया दैट मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर ठीक है तो एग्जामिनर ये प्रूव करने के लिए आपसे पूछ सकता है ओके नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस ठीक है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अगर बेस के साथ रिएक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लाइम वाटर टेस्ट सीओ टू टेस्ट बताया था क्या बताया था उस टेस्ट में कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है

सेम रिएक्शन अभी हम ले लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने लिया था देखो केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम इसके दो दो हैं इसको हम लाइन वाटर भी बोलते हैं ऑल्सो नोन एज स्लेड लाइन याद रखना ये ठीक है थीके? देखो तीन तीन कंपाउंड्स हैं है ना? आ, चैप्टर नंबर वन का जो लेक्चर है ना उसमें आपको मिल जाएगा मैंने ये तीनों समझाए हैं सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं क्विक्लाइन सी ए ओ एच टाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही वाला ठीक है तो इसको या तो स्लेक्ड लाइम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं लाइम वाटर ठीक है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम होता है ये एक्चुअली लाइमस्टोन है चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं ठीक है तो ये तीनों कैल्शियम के कंपाउंड में कंफ्यूज नहीं होना है दिस इज कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर इसमें जब हमने सीओ गैस पास करी थी तो प्रोडक्ट मिला था हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से इसका आ, कलर कैसा हो गया था मिल्की हो गया था वाइटिश हो गया था तो उससे प्रूव हो जाता है कि ये गैस सीओ टू गैस है तो मैं वापस से ये रिएक्शन क्यों बता रहा हूं क्योंकि हमें यहां पे नेचर किसका देखना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना आपका ये बेस है ओ OH आ गया ना इधर है ना कार्बन इज अ नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ है सीओ तो ये एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है सीओ टू कैल्शियम कार्बोनेट ये जो बना है ठीक है चलिए इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ठीक है नीचे लिख देते हैं इसको ये नेम रख कर देता हूं ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस ओ एच आ गया है यहाँ पे सीओ टू इज ए नॉन मेटलिक ऑक्साइड कार्बन इज ए नॉन मेटल नॉन मेटल कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन सो क्या बनाइए नॉन मेटलिक ऑक्साइड राइट कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्ट ओके और साथ में क्या मिल रहा है वॉटर तो यहां पर भी देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही थी तो प्रोडक्ट क्या बन रहे थे सॉल्ट एंड वाटर तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है तो अगर इस रिएक्शन को मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर तो देखो यहां पे ये यह सॉल्ट है ये सॉल्ट है वाटर वाटर बेस बेस तो ऑटोमेटिकली नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया एसिडिक, तो ये प्रूफ हो जाता है यहां पे। सो so, क्या मिला हमें स्टेटमेंट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर तो अगर ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में तो ये रिएक्शन की हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हैं तो अभी ये देखो ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये एग्जाम्पल को प्रूफ करने के भी काम में आ रही है है ना सीओ टू टेस्ट लाइम वाटर टेस्ट भी है ये ठीक है और चैप्टर नंबर वन में भी था चैप्टर नंबर टू में भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ठीक है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक और मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है एग्जाम में ठीक है प्रूव करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर कर देते हैं यह भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ठीक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करा दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके ओके सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये जितने भी एसिड्स हैं या जितने भी बेसिस हैं सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है और सारे बेसिस में क्या कॉमन है क्यों एसिड एसिडिक नेचर शो करता है या क्यों बेस बेसिक नेचर शो करता है तो उसको समझते हैं हम ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज वॉट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन what डू ऑल एसिड्स एंड bases हैव इन कॉमन ठीक है इन सब में क्या कॉमन है देखिए जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर में और यू कैन से इन एक्व सॉल्यूशन वो एच प्लस आयन रिलीज कर देते हैं ठीक है एच प्लस आयन जिसे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में या यूं कहें कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करेगा एच प्लस आयन देगा आयोनाइज हो जाएगा H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं ठीक है और अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड सोल्यूशन और यू कैन से इन माइनस आयन हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं तो वो क्या होंगे basis होंगे ठीक है तो सारे एसिड्स और सारे बेसिस में ये कॉमन होता है सारे एसिड्स वाटर में एच प्लस आयन रिलीज कर देते हैं और सारे बेसिस वाटर में ओ एच माइनस आयन रिलीज कर देते हैं तो ये कॉमन है सारे एसिड्स और बेसिस में तो ये किसकी थ्योरी है ये केमिस्ट साइंटिस्ट है बड़े आर्हेनियस की थ्योरी है ये आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सो आर्हेनियस ने क्या बोला आर्हेनियस ने कहा कि भाई वो सारे कंपाउंड जो कि H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं एच प्लस आयन इसे जिसे हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं तो प्रोटॉन बोलो या एच प्लस आयन बोलो एक ही बात है ठीक है तो आरहीनियस के अकॉर्डिंगली एसिड्स क्या होते हैं जो एच प्लस आयन रिलीजेज इन वाटर ठीक है तो उसे सब एसिड्स बोलते हैं बेसिस क्या है आर्नियस के अकॉर्डिंगली वो कंपाउंड्स या सब्सटेंस जो ओ एच माइनस आय इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आय ठीक है रिलीजेस इन वाटर ठीक है सो so, कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आरहीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स आर द कंपाउंड दैट एच प्लस आयन और यू कैन से प्रोटॉन्स इन वाटर और इन एक्वा सोल्यूशन एंड बेसिस आर द कंपाउंड रिलीज इज ओ एच माइनस आयन और यू कैन से हाइड्रोक्साइड एंड्स इन वॉटर ओके तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है ना जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो क्या होगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच प्लस आयन और सी एल माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा ठीक है एच प्लस आयन तो ये एच प्लस आयन दिया ना इसने तो ये क्या है एसिड है अकॉर्डिंग टू आर थ्योरी तो ये H प्लस आयन जल्दी से क्या करेगा इस वॉटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा एच थ्री ओ प्लस आयन और ये सी एल माइनस आयन अलग रह जाएगा तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन तो दोनों ही एक बात है या तो यू कहें कि एसिड वॉटर में H प्लस आयन रिलीज करते हैं या ऐसा कह दो एच प्लस आयन रिलीज करते हैं ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना है तो यूं लिख दो कि एसिड्स फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्व सोल्यूशन और इन वॉटर एक ही बात है ठीक है इसीलिए वो एसिड एसिड कहलाते हैं और जैसे मैंने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये एक्व सोल्यूशन में यानी वाटर की प्रेजेंस में एन ए प्लस और ओ एच माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा ठीक है तो ये जो ओ एच माइनस आयन है ना ये हाइड्रोक्साइड आयन ठीक है तो इसने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया तो एन नेचर एच क्या हो गया ठीक है तो सिंपल सी थ्योरी है वो कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में या यूं कहें वाटर की प्रेजेंस में एच प्लस आयन रिलीज करते हैं उसे हम एसिड बोलते हैं और जो ओ एच रिलीज करते हैं उसे हम बेस बोलते हैं ठीक है कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्कलीस वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी वॉट आर एल्कलीज सो एल्कलीज आर नथिंग बट द बेसिस विच बेसिस डिजॉल्व इन वाटर यू कैन से ठीक है वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उसे हम एल्कलीज बोलते हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमने पढ़ा है ना ये दोनों ही एल्कलीज हैं क्योंकि ये वाटर में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं राइट right? अच्छा अभी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कि अमोनिया एन एच थ्री ये एक बेस है तो अभी तो देखो ये की थ्योरी तो गड़बड़ा गई यहां पे। ने क्या बोला था कि बेसिस तो वो होते हैं जो ओएच आयन रिलीज़ करते हैं वाटर में एक्व सोल्यूशन में तो भाई ये ओ तो है ही नहीं कंपाउंड में कहीं पे भी तो ये ओ एच माइनस आयन कहां से रिलीज कर देगा ठीक है तो यहां पे एक नई थ्योरी आ जाती है दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे ब्रॉन्स्टेड और उनके साथ दूसरे थे लॉरी इन्होंने मिलकर दी एक थ्योरी राइमिंग हो गया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी गिव्स अ थ्योरी ऑन एसिड्स एंड बेसिस तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी क्या है ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये कहा कि वो कंपाउंड जो H प्लस आय रिलीज करते हैं या यूं कहें कि H+ प्लस डोनेट कर देते हैं है ना दूसरे कंपाउंड को दे देते हैं वो तो क्या होते हैं भाई एसिड्स होते ठीक है और वो कंपाउंड्स जो H+ प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं है ना वो क्या होते हैं होते हैं ठीक है तो डोनर का हो या एक्सेप्ट करने वाला इसको एक्सेप्ट की जगह हम गेनर भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये जो अमोनिया है ना एन एच थ्री ये वाटर की प्रेजेंस में जब इसको वाटर में मिलाते हैं ना अभी वाटर किस में किसमें डाउन हो जाता है एच प्लस और ओ OH माइनस आयंस में इसकी प्रेजेंस में ठीक है अमोनिया की प्रेजेंस में और ये एच प्लस आयन इससे कनेक्ट हो जाता है तो बना लेता है एन फोर प्लस अमोनियम आयन और ओ OH माइनस आयन वाटर का तो देखो पूरे सॉल्यूशन में ओ OH माइनस आयन आ गया ना है ना तो ये ओ OH माइनस आयन की प्रेजेंस क्या शो करती है कि अल्टीमेटली ये क्या है नेचर का बेस है तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी वो कंपाउंड्स जो एच प्लस आयन डोनेट करते हैं वो एसिड्स होते हैं और वो कंपाउंड्स जो आयन गेन करते हैं वो बेसिस होते हैं सो अमोनिया हियर यू कैन से इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस तो आरहेनियस की थ्योरी पे बेस्ड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े है ना बट ये कुछ एक्सेप्शन हैं जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी के बेसिस पे हम इसको एसिड या फिर बेस प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो जहां पे आर की थ्योरी फेल हो जाती है वहां पे परॉरी की थ्योरी वर्क कर जाती है है ना आपकी एनसीआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ना तो आर की थ्योरी दी है ना ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी दी है सिर्फ इतना बताया है कि जो एच प्लस रिलीज करते है, वो हैं वो एसिड्स हैं एक्वा एक्सोसोल्यूशन में और ओ एच माइनस आयन जो रिलीज करते हैं वो बेसिस हैं एक्चुअली वो आर की ही थ्योरी है ठीक है so, सो इससे ज्यादा कुछ हटके एक्सेप्शनल केसेस नहीं पूछे जाएंगे जो हमारे बुक में एग्जाम्पल्स हैं है ना? ऑलमोस्ट उनसे ही क्वेश्चन बनता है ठीक है अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार है ना जैसे अल्कोहल अभी एल्कोहल यानी इथेनॉल इथेनॉल का फॉर्मूला होता है सी टू एच फाइव ओ एच तो क्या ये एसिड है अभी इसके फॉर्मूले में इतने सारे हाइड्रोजन हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये H प्लस आयन दे देगा वाटर की प्रेजेंस में नहीं है ना तो सिर्फ अगर फॉर्मूले में या कंपाउंड में H हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड हो गया जैसे ग्लूकोज तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो देखो यहां पे ट्वेल्व ट्वेल्व हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार इसके पास तो बारह हाइड्रोजन है ये तो एच प्लस आयन देगा ही देगा वाटर में नहीं अगर दे देता है कोई कंपाउंड एच प्लस आयन वाटर में तो ही वो एसिड है अगर उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन का आयन है हाइड्रोजन के आइटम्स है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाटर में एच प्लस आयन देगा ही देगा ठीक है तो इसके बेसिस पे हम वो एसिड है वो जज नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो तो हम देंगे कि ये यार ये यार तो एसिड है ऐसा नहीं है वो एसिड तभी कहलाएगा जब वो एच प्लस में या फिर एक्वे सॉल्यूशन में रिलीज करेगा तभी सिर्फ उसे हम एसिड बोलेंगे ठीक है अच्छा हमारी टेक्स्ट बुक में एक, एक एक्टिविटी दी है ना उसमें उस एक्टिविटी में दिया है कि अगर ड्राई एच गैस रिलीज हो रही है मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब ली हमने है ना और यहां कुछ कंपाउंड्स हमने मिलाए फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दी हमने एच टू एसओ फोर से ठीक है तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फेट एन ए टू एसओ फोर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब ये जो एचसीएल बना ना यहां पे ये गैशियस फॉर्म में हो, रिलीज होगा ठीक है तो यहां पे ये दो कंपाउंड्स ले लिए हमने एक सोडियम क्लोराइड है और एक एच टू फोर है ठीक है रिएक्शन हुई सोडियम सल्फेट तो नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगा और यहाँ पे मान लो कि हमने कॉर्क लगाया और एक ये डिलीवरी ट्यूब लगा दी हमने तो अभी यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है एच की गैस रिलीज हो जाएगी गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है एच है ना तो अभी ये गैशियस फॉर्म में है अब अगर इस ड्राई एच गैस के कांटेक्ट में मैं अगर ब्लू लिटमस पेपर को लेके आऊं ये ले लिया लिटमस पेपर और ये कैसा है ब्लू है तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है बट जब मैं ये ब्लू पेपर को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में लेके आऊंगा ना तो ये ब्लू से रेड नहीं होने वाला क्यों? क्योंकि ये एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि ये ड्राई एपसी गैस है और अभी हमने क्या पढ़ा एसिड वो ही होता है जो सॉल्यूशन में या फिर वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है एच प्लस आयन में ठीक है तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा इस लिटमस पेपर को गीला कर दूंगा इसमें थोड़ा सा वॉटर ऐड कर दूंगा यानी वेट ब्लू लिटमस पेपर ले लिया मैंने तो अब क्या होगा जैसे ही वॉटर इसके कांटेक्ट में आएगा एच गैस के ड्राई है वो तो वो एक्वा सॉल्यूशन में यानी वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होगा तो वो H प्लस आयन और Cl एल माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्योंकि उसने H प्लस आयन दिया है एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये कैसा हो जाएगा रेड हो जाएगा सो so, इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस और द कंपाउंड्स दैट रिलीजस एच प्लस आयन इन ओनली एक्वस सॉल्यूशन और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है ना तो अच्छी एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट है ओके अच्छा एसिड्स को अगर हमें डाइल्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं वाटर ऐड करते हैं तो एसिड डाइल्यूट हो जाता है केमिस्ट्री के लैब में हमें एसिड्स यूज़ करने हैं तो उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो रिस्क कम होता है है ना किसी के जलने के चांसेस नहीं रहते ठीक है तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या करें एसिड में पानी डालें कि पानी में एसिड डालें दोनों अलग अलग बातें ठीक है एसिड्स में अगर पानी डाला सो तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है है ना वो एसिड स्प्लैश होके बाहर आ सकता है उस बीकर से या टेस्ट ट्यूब से और हम जल सकते हैं इट इज वेरी रिस्की तो एसिड में पानी डालना है पानी में एसिड डालना है वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ठीक है मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर क्या है वाटर है और मेरे पास कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मैं उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा इसमें और स्टर करता रहूंगा इसको जैसे ही एक ड्रॉप डाली स्टर किया फिर दो ड्रॉप डाली स्टर किया स्टरिंग से क्या होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट रिलीज हो रही है ना है ना उसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अंदर वाटर में ठीक है तो वो स्प्लैश आउट होने के चांसेस नहीं रहेंगे तो एसिड को अगर डाइल्यूट करना है तो एसिड में पानी नहीं डालना है पानी में एसिड डालना है वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ठीक है चलो अभी एक टर्म आता है कि स्ट्रोंग एसिड्स एंड वीक एसिड्स तो ये स्ट्रोंग एसिड क्या होते हैं वीक एसिड क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं है ना यानी जितने H प्लस आयन है वो सारे के सारे अगर उनको रिलीज कर सारे रिलीज कर देंगे ठीक है और वीक एसिड क्या होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं यानी ये सारे OH एच माइनस आयन दे देते हैं ठीक है और वीक बेस क्या है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे सारे OH एच माइनस आयन नहीं देंगे सिंपल सा कंसेप्ट है ठीक है तो हमारे जितने भी मिनरल एसिड्स हैं ना मिनरल एसिड्स कौन कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है एच टू एसओ फोर एसिड ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड ठीक है ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रोंग एसिड क्यों है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं ठीक है थीके? फिर ऑर्गेनिक एसिड्स जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोलते हैं चैप्टर नंबर फोर में आप पढ़ेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये जो सी ओ ओ एच ग्रुप है ना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऑर्गेनिक एसिड्स है कार्बन वाला एसिड्स है देखो कार्बन कार्बन ठीक है ये वीक होते हैं क्यों वीक होते हैं स्ट्रांग नहीं होते क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं सिंपल सी बात है तो ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं क्यों दिस इज द रीजन बिकॉज मिनरल एसिड्स गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन और इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर ओके एंड ऑर्गेनिक एसिड्स और यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक बिकॉज दे डोंट गेट कम्प्लीटली आयोनाइज है ना डजेंट गेट कम्प्लीटली आयोनाइज ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें जय हिंद जय भारत नमस्कार